भागलपुर के नगोछा थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा श्रीपुर रिंग बांध समीप फोर लेन सड़क पर आश्रम टोला कदवा निवासी अक्षयलाल यादव के पुत्र रंजन की मौत एक हाइवा की टक्कर लगने से हो गई। बताया जा रहा है कि रंजन 22 जून को अपनी बहन की होने वाली शादी की तैयारी को लेकर नगोछा बाजार खरीदारी करने के लिए गया हुआ था, जहाँ से लौटने के क्रम में एक हाइवा ने उसे जोरदार ठोकर मार दिया। स्थानीय लोगों ने रंजन को उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नगोछिया पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रंजन की मौत हो चुकी थी। कदवा ओपी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि वहीं उसके साथ ब्रजेश कुमार यादव भी गंभीर रूप से घायल है। नगोछिया अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद ब्रजेश को बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार। मृतक क्या आप कौन है? भाई है। क्या नाम है इनका मृतक का? हाँ, रंजन कुमार। पिता? अच्छे रंजन। घर? आश्रम टोला कदवा खैरपुर पंचायत जिला नगोछा। कैसे हुआ घटना? देखिए, इसका जो है बहन का शादी था 22 को। हाँ। एक कार्ड देने के लिए अपने दोस्त को नगोछा आ रहे थे और सोम पड़ गया तो गाड़ी जा रहा था रिटर्न होके। कहाँ से आए थे कार देने? अतरम टोला से, अपने निजी आवास से। अतरम टोला? हाँ, कदवा खैरपुर पंचायत पड़ता है। हाँ। तो उनसे आया था, अपने दोस्त को कार्ड दे के जा रहा था। हाँ। जैसे ही श्रीपुर टर्न होते हुए पंप के पास गया। हाँ। तो वहाँ पे लोग दो आदमी थे। हाँ। बाइक सवार पे दो आदमी थे। हाँ। तो आगे से ट्रक आके इसको जोरदार धक्का दे दिया, जिसमें से कि रंजन कुमार उसी जगह स्पॉट डेड कर गया। उसके साथ एक ब्रजेश कुमार था, वो अभी उसका भी हालत गंभीर है। नगोछा अस्पताल से रेफर करके उसको मायागंज दिया गया। वो एक क्या नाम बताया? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार का पिता का क्या नाम है? कितना उम्र होगा उनका? 25 साल। 25 साल। अच्छा, ये जो अभी जो नाम बताया इनका मृतक का, इनका शादी हो गया था? नहीं, हमारे से ना। कितने भाई हैं? दो भाई। बड़ा एक छोटा? छोटा भाई। बड़ा क्या करता है? बड़ा राजमिस्त्री। क्या नाम उनका? रंजीत यादव। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये तो नहीं बता सकते हैं कंफर्म। इस टाइम में काम करके आ रहे थे, टाइम भी ओवर हो गया, घर जा रहे थे। तो हो सकता है कि काम छोड़ करके, काम से छूटने के बाद बाजार आए हम, बाजार से घर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर घटना हुआ है? घटना बैंक ऑफ इंडिया का बस स्टैंड। अच्छा, पत्नी का नाम पता है? नहीं, पत्नी नहीं। अच्छा, लड़का लड़की कितना है इनको? 3 लड़का 1 लड़की। लड़का है। कितने भाई थे? दो भाई। बड़ा एक छोटा? छोटा हुआ, बड़ा नाम शैलेश कुमार हुआ। क्या काम करते हो? बड़ा भाई ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ये यहीं काम करते हैं? पहले और कहीं काम करते थे? पहले बाहर रहते। बाहर से लगभग 15-20 दिन पहले आए हुए। हाँ। उसके बाद बोला कि इस बार अब जो यहीं रहेंगे। हाँ। यहीं कमाएंगे, काम करेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ससुराल कहाँ है इनका? करा बोला। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।